राधे दोस्तों, ये हमारे पास एक 2.1 का होम थिएटर आया, जिसमें कि क्या कमी है कि ये एक बार ख़राब हो गया था, तो पहले इसको जब ठीक कराया था उसके बाद से इसका साउंड ख़राब हो गया था। इसका बेस फट रहा है, इसमें साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। तो जब से ये ऐसे ही उठा के रख दिया था, तो अभी हमारे पास आया है, तो हम इसमें देखते हैं, हम इसको वैसा ही करेंगे जैसा ये पहले था। इसकी बिल्कुल साउंड क्वालिटी हम इसकी अच्छी करेंगे और देखेंगे इसमें क्या कमी है। तो सबसे पहले हम इसकी साउंड टेस्टिंग कर लेते हैं, इसमें कैसी है। तो ये हमने इसमें पावर लगा दी है और ये भी ऑफ दिखा रहा है, तो हम इसको ऑन करेंगे। ये ऑन हो गया है और अब हम इसमें लगाएंगे ये पेन ड्राइव कार्ड। अरे ये इसको नहीं पकड़ रहा है, ये हमारी चिप को कार्डर को नहीं पकड़ रहा है। तो अगर जब हम इसको ऑक्स से चलाते हैं तो ये चल रहा है, लेकिन साउंड क्वालिटी बिल्कुल बेकार आ रही है इसकी। हमने चेक किया था इसे ऑक्स से चला के, लेकिन हमारे पास मोबाइल एक ही है तो नहीं चेक कर पा रहे हैं। ये देखिएगा, ये कार्बोरेटर को पकड़ ही नहीं रहा है। ये देखिए ये क्या कर रहा है, अब देखो इसने पकड़ा थोड़ा, अब भी गाने भगा रहा है। फिर से हम इसको करते हैं, चलिए हमने इसको थोड़ा सा साफ कर लिया है, आपको दिखाते हैं। अभी हमने इसको पकड़ लिया है, फिर से ऐसी दिक्कत कर रहा है। फिर हम इसको लगाते हैं दोबारा से, ये देखिएगा, देखिएगा कैसे गड़बड़ कर रहा है। अभी हम इसका ये सैटेलाइट स्पीकर इसमें जोड़ते हैं, तो आपने देखा इसमें ये भड़ भड़ बहुत कर रहा है। तो हम इसको निकालते हैं और इसे देखते हैं पीछे से खोल के, तो बचाव आए पेज खोले में, बस टेस्टिंग के लिए इसको आपको दिखाया। तो कैमरामैन पहले इधर आओ। तो दोस्तों ये हमने खोल लिया है और उसमें देखते हैं, पहले इसके पीछे चलते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको दिख रहा होगा, बड़ी नज़दीक से हम आपको दिखाते हैं, एक सेकंड। ये आपको देख रहा होगा इसकी ये आईसी जो है, ये आईसी इसकी ख़राब हो गई थी, तो किसी ने इसकी आईसी चेंज की है, तो इसके प्रिंट वगैरह उड़ गए हैं और इसमें होल भी हो गया था पीसी। तो किसी मैकेनिक भाई ने इसको बड़े मतलब जो है जुगाड़ू तरीके से इसको सही कर दिया है। अब इसका मेन कारण क्या है दोस्तों, इसका मेन कारण हम बताएंगे आपको, कि पहले हम इसका बोर्ड खोल लेते हैं फटाफट से, जब आपको बताते हैं इसमें क्या 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 कमी है, क्यों इसकी साउंड क्वालिटी इतनी बेकार तरीके से फट रही है। और हम इसकी साउंड क्वालिटी वैसे ही करेंगे जैसी थी। दोस्तों हमने इसका बोर्ड निकाल लिया है और ये देखिएगा,
देखिएगा आप जैसे इसमें होल आर पार हो रहा है, आपको थोड़ा क्वालिटी सही नहीं आ रही। ये देखिएगा ये आईसी चेंज करी थी, 3 आईसी इसमें लगी हैं। और दोस्तों मैं आपको देख बता दूं इसका आईसी का नंबर देख के, TDA 20-30 लगी होती हैं दोस्तों आपको तो इसमें नज़र नहीं आएगा, लेकिन हमें नज़र आ रहा है इसमें दूर से। तो इसमें दोस्तों 20-50 आईसी लगी है और बाकी आईसी जो है ना इसमें 20-30 लगी हैं। तो ये जो आईसी है ना इसमें ये भी 20-30 ही लगनी थी, तो इसमें 20-50 आईसी ये लगा दिए, तो ये बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात इसमें जो ये इसका ट्रांसफार्म भी चेंज किया गया है, ठीक है दोस्तों, इसमें ये इसका ट्रांसफार्म भी चेंज किया गया है, तो इस कारण भी इसका साउंड फट रहा है। और एक आईसी इसमें 20-50 लगा दी गई है, तो एक ये कारण है। तो हम इसकी आईसी तो अभी चेंज नहीं करेंगे, हम इसी आईसी को जो है ना हम इसका ट्रांसफार्म चेंज करेंगे। तो देखते हैं जब इसके वोल्टेज एम्पियर बढ़ जाएंगे तो ये अच्छा साउंड दे सकती है, इसका साउंड फटना बंद हो जाएगा, क्योंकि एक कारण इसका ये ट्रांसफार्म भी है इसका साउंड क्वालिटी फटने की, क्योंकि ये बिल्कुल लोकल ट्रांसफार्म इसमें लगाया है एल्युमिनियम का। और ये आईसी जो है हमारी 20-50 है, इसको 18018 की पावर चाहिए 5 एम्पियर की, और ये 3 एम्पियर का ट्रांसफार्म है 12012। तो देखते हैं हम पहले इसका ट्रांसफार्म ही चेंज करेंगे, ट्रांसफार्म चेंज करने से हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसमें लास्ट में 20-30 आईसी ही इसमें लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए फटाफट से हम पहले इसका ट्रांसफार्म चेंज करके देखते हैं, ये हम इसका ट्रांसफार्म चेंज करते हैं पहले। हमने इसका ट्रांसफार्म कनेक्शन हटा दिए हैं और ये इसके मेन पावर के हैं, तो हम इसको भी हटा लेते हैं और पहले आयरन लगा लेते हैं। हम अपना आयरन लगा के पहले आपको दिखाते हैं, पहले हम अपना आयरन गर्म कर लेते हैं, हमने आयरन नहीं लगा रखा था। तो दोस्तों हम इसमें ये वाला ट्रांसफार्म लगा रहे हैं, ठीक है, ये अच्छी क्वालिटी का ट्रांसफार्म है, हम ये इसमें लगा रहे हैं और हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन पहले हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं और इसको यहाँ पर लगा के आपको दिखाते हैं, ताकि ये इस पर फिट हो जाएगा तो पूरी तरीके से बंद करके इसका हम साउंड चेक कर पाएंगे, ठीक से। तो फटाफट से हम इसको खोल के ट्रांसफार्मर लगा लेते हैं, अपना फिट कर लेते हैं, दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने इसमें ये ट्रांसफार्मर बदला, ठीक है, और ये वाला ट्रांसफार्मर हमने इसको निकाल दिया था। इसके बाद हमने इसको चेक किया तो इसके साउंड में थोड़ा सा सुधार हुआ है, पहले ज़्यादा फट रहा था साउंड बेस इसकी और अब कम फट रही है, लेकिन अभी पूरी तरीके से ये क्लीन नहीं हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हमने इसका ट्रांसफार्म इसमें थोड़ा हैवी लगाया है तो थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन इसमें 20-50 आईसी लगी है, उसके लिए ना तो इसमें ये जो बड़े वाले दो आप कैपेसिटर देख रहे हो, ना तो ये कैपेसिटर इसके मतलब के हैं, ना ही इसमें डाइवोल्ट ज़्यादा एम्पियर के लगे हैं। तो इस वजह से इसको हम क्या करेंगे, इसमें इसकी आईसी चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये जो इसमें 20-50 आईसी लगाई हुई है किसी ने पहले, तो हम इस आईसी को चेंज करेंगे और इसमें हम 20-50 ओरिजिनल आईसी लगाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से इस आईसी को निकालते हैं, मैं आपको और दिखाते हैं फिर। तो दोस्तों
इसकी आईसी निकाल ली है, आपको क्लीन दिख रहा हो। तो ये इसकी 20-50 आईसी है, देखिएगा ये 20-50 आईसी है, उसमें नंबर सही से नहीं दिख रहा होगा, ये 20-50 आईसी है। और अब हम इसमें 20-30 आईसी लगाएंगे जो इसमें पहले लगी हुई थी। चलिए इसको लगाते हैं, फिर हम आपको इसको सेट करके दिखाते हैं, क्योंकि इसमें लगाने में काफ़ी दिक्कत है। तो चलिए पहले हम इसको लगा दें। हीट सिंक कंपाउंड तो इसमें काफ़ी सारा लगा हुआ है, और चलिए इसको फिट करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इसके हम फटाफट से कनेक्शन कर लेते हैं। ये रेजिस्टेंस भी इसका जल चुका है, इसमें सोल्डिंग भी बड़े संभाल के करनी है क्योंकि पेंट इसके उखड़ चुके हैं। तो दोस्तों ये हमने इसमें आईसी के कनेक्शन कर लिए हैं, आप देखो इसमें कनेक्शन करना पूरी महाभारत थी, तो इसलिए हम इसकी वीडियो नहीं बना पाए, काफ़ी समय लगा है हमें इसमें। इसमें ये सारे प्रिंट इसके टूटे हुए हैं, इतनी गंदे तरीके से इसमें काम कर रखा था। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। हम चाहते तो इसमें इतनी सिरदर्दी नहीं करते, दूसरा बोर्ड लगा देते, लेकिन दोस्तों ओरिजिनल बोर्ड है, ठीक है ना। और जिसमें जो आगे पैनल लगाया है ब्लूटूथ पैनल, वो भी इसमें क्या नाम है, बास ट्रेबल वगैरह और बेस ट्रेबल वगैरह जो है वो सब इसमें वॉल्यूम नहीं है, रिमोट से ही कंट्रोल होता है। तो हमने इस वजह से इस बोर्ड को ही रिपेयरिंग करा, वरना तो दूसरा बोर्ड हम इसमें लगा सकते थे। तो इसकी ओरिजिनलिटी बनी रहे इसीलिए हमने इसी को रिपेयरिंग कराया। और अब आप इसको, हम इसकी आपको साउंड टेस्टिंग दिखाएंगे, वरना इसका साउंड ओरिजिनलिटी इसकी ख़त्म हो चुकी थी बिल्कुल। तो अगर जो काम सफाई से करा जाए और पूरे गणित के साथ में करा जाए तो काम सक्सेस होता है, लेकिन ये नहीं है जल्दबाजी में कुछ भी लगा दो कुछ भी लगा दो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका ओरिजिनल ट्रांसफार्म ही उसने निकाल दिया, 20-30 के बजाय 20-50 आईसी इसमें घुसेड़ दी। तो बाबा ओरिजिनल अच्छा खासा साउंड था और वो बिगड़ गया। चलिए हम इसको फटाफट से बंद करते हैं और इसकी साउंड टेस्टिंग देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने इसकी आईसी बदलने के बाद इसे थोड़ा सा चेक करके देखा, पहले बंद करके, कोई साउंड तो वो नहीं हो रहा है। तो अभी इसका थोड़ा सा 19-20 फ़र्क है, तो हम इसका बूफर देखते हैं, क्योंकि अब हमने इसको बिल्कुल ओके कर दिया है।
तो देखते हैं इसमें इसका बफर वगैरह चेंज किया तो नहीं है या कोई गड़बड़ी बफर में भी तो नहीं आ रही है थोड़ी बहुत। हालांकि ये ठीक हो चुका है लेकिन अब भी साउंड में थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है। फिर भी देख लेते हैं तो बड़ी आसानी से निकल गया। तो दोस्तों हमें इसका बूफर भी लग रहा है जैसे खुला हो पहले, हल्का नहीं लग रहा बूफर। साउंड तो इसका बिल्कुल बढ़िया हो चुका है, हल्की सी बेस और बन जाए बिल्कुल। इसमें तो बड़ा छोटा सा बड़ी हल्की मैग्नेट का वूफर लगाया बहुत। इस हिसाब से इसमें टांके लगे हैं ना, इसका बूफर भी मुझे लग रहा है बदला गया है। इतना हल्का बूफर इतने उसमें तो नहीं होता। तो हमारे पास एक दूसरा होम थिएटर का इंटेक्स का ओरिजिनल बूफर है, हम उसे लगाएंगे इसमें। उसे लगा के इसको चेक करते हैं। तो हमारे कैमरामैन वो पेटी में से स्पीकर दो निकाल के बूफर तो दोस्तों ये हमारे पास एक इंटेक्स का ओरिजिनल सब बूफर है। देखो इसकी मैग्नेट देखो और इसकी मैग्नेट देखो कितना फ़र्क है। ये हैवी है, कितनी हैवी मैग्नेट इसकी है और इसकी कितनी बच्चा जैसी मैग्नेट है। और ये देखो, तो हम इसको लगा के देखते हैं, इसको और भी अच्छा कर देंगे। ये इंटेक्स का ओरिजिनल वो है ये सब वूफर, ये पहले भी खोला हुआ है, मुझे लगता है इसका वूफर चेंज किया हुआ है। आईसी तो इसमें हैवी लगा दी, अब हैवी आईसी लगाओगे तो सारी चीज़ें हैवी चाहिए ना। अब वूफर हल्का कर दिया, ये देखेगा सेम वैसा ही है, ये इंटेक्स का है। लेकिन चलिए इसे फटाफट से लगाते हैं, फिर एक बार इसके आप साउंड टेस्ट करके दिखाते हैं। हम इसको फटाफट से
चलिए दोस्तों हम इसको टेस्ट करके दिखाते हैं, अब इसका साउंड फट रहा है या नहीं फट रहा है। कैलेंडर का हम इसको ऑन करते हैं, बिल्कुल ओके हो चुका है। इसमें 1% भी इसका साउंड नहीं फट रहा है। इसमें करा क्या था, इसमें 20-50 की जगह 20-30 की बजाय 20-50 IC लगाई गई, इसका ट्रांसफार्म चेंज किया गया और तो और इसका ये सब वूफर भी चेंज कर दिया गया। बहुत ही हल्का ये वूफर है, ठीक है, तो ये भी चेंज किया गया, तो इसलिए इसकी सारी साउंड क्वालिटी बिगड़ गई थी और अब ये ओके हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी वीडियो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। राधे राधे।